हो गाइस, पहले कौन दीजिए मेरी न्यूज। तो गाइस आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के काफी सारे कमाल के अपडेट के बारे में, बात करेंगे एवेंजर एंड गेम की लीक वीडियो के बारे में। तो उसके लिए एक छोटा सा स्पॉइलर वार्निंग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले 3 दिन से मैंने वीडियो इसलिए अपलोड नहीं करा क्योंकि मैं कह रहा था यूट्यूब फैन फेस्ट, तो पॉसिबल नहीं था कि 1 बजे इवेंट स्टार्ट हो रहा है, फिर 9:30 बजे खत्म हो रहा है, फिर उसके बाद होटल जाना, तो ये पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी कि मैं वीडियो अपलोड करूं और आपको सारे अपडेट दूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता था तो मैं थक जाता था। तो आप रेगुलर फेस कैम वीडियोस और वॉइस ओवर दोनों एक साथ आया करेंगे, और अप्रैल में आपके लिए एक छोटी सी चीज़ लॉन्च कर रहा हूं स्पेशल आप लोगों के लिए, जिससे कि आप 24 आवर्स अपने मोबाइल पर कभी भी अपडेट देख सकते हो। ये एक छोटा सा हिंट है जो आप समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहले लीक वीडियोस के बारे में बात करते हैं। तो आपके पास अगर वो लीक वीडियो आई है तो उसे इग्नोर मारें, शेयर मत करें, कहीं पर भी अपलोड मत करें, क्योंकि एवेंजर एंड गेम रिलीज होने में 1 वीक रह गया है और उनके जो लोग हैं US में बैठे हुए हैं वो बिल्कुल टारगेट बना के बैठे हुए हैं कि जो भी उस वीक वीडियो को अपलोड करेगा आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा परमानेंट अकाउंट से, या इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या फेसबुक हो, या ट्विटर अकाउंट हो, कहीं पर भी एवरीथिंग आप उसे शेयर भी ना करें। समझ सकते हो इससे क्लिकबेट होता है जिससे कि आप उनकी निगाह में आ जाते हो। तो जो भी उसे शेयर कर रहा है प्लीज इग्नोर मारो। अब उस सीन में था क्या, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं बता रहा हूँ, बस आपको सीन बता रहा हूँ। उसमें न्यू बैटल फाइल सीन थी, प्रोफेसर हल्क का सीन था, कैप्टन अमेरिका का सीन था, कैप्टन मार्वल आयरन मैन का था, जो कि बिल्कुल गलत है। 1 वीक रह गया, मार्वल फैंस हो यार, मूवी जाके थिएटर में देखो, IMAX में देखो, 2D 3D में देखो, पर ऐसे मत देखो लीक में, ना ही शेयर करो बिल्कुल। और जो लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई वीडियो सेंड करो उसके ऊपर बनाओ, तो भाई मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं अपने चैनल को ब्लॉक नहीं करवाना चाहता दोबारा से, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। एवेंजर एंडगेम का ट्रेलर जब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट करा था कि अब ट्रेलर लॉन्च चुका है, तो मार्वल ने मेरे पे कॉपीराइट स्ट्राइक सेंड कर दिया। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, ना ही शेयर करो, बस आपसे मैं इतना कहना चाहूँगा। और बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। मार्क रफेलो ने इसी के ऊपर कुछ इंटरव्यू भी दिया, तो मार्क रफेलो ने बताया कि मेरे पास पूरी एवेंजर एंडगेम की स्क्रिप्ट थी, पूरा डाटा था, फिर भी डायरेक्टर जू रूसो ब्रदर्स ने क्या करा कि उनका एवेंजर एंडगेम का लास्ट फाइटिंग सीन था हल्क वाला, जिसमें कि थैनोस वो लड़ रहा है, वो 5 बार टेक करा गया। आप यकीन नहीं मारोगे, 5 बार मायने रखता है, अलग अलग जाकर अलग अलग क्यों। अब ये मार्क रफेलो के साथ ऐसा नहीं करा क्योंकि वो स्पॉइलर मैन है, वो कुछ भी स्पॉइल कर सकते हैं। तो अब उन्हें खुद नहीं पता कि 3 घंटे 1 मिनट की मूवी में उनका कौन सा सीन ऐड करा गया है, और आपने जो लीक देखा होगा वो शायद फेक भी हो सकता है क्योंकि वो मूवी में ऐड नहीं होगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि मार्क रफेलो एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्पॉइलर देता है, वो कुछ भी लीक कर सकते हैं। पर डायरेक्टर जू रूसो ब्रदर ने कंफर्म करा कि 3 घंटे 1 मिनट की पिक्चर जब एडिट हो गई थी तो हमने उसे सेव कर दिया था, तो वो लीक होने के चांसेस नहीं है। और आपने जो क्लिप देखी होगी वो 100% अब तो वो फेक ही कहलाएगी, या फेक है वो एक तरीके से कह सकते हो आप कि मूवी का एक ऐसा पार्ट कट सीन जो कि मूवी में है ही नहीं, तो देखने का कोई मकसद ही नहीं बनता। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होगा मूवी में, अब 1 वीक के बाद ही पता चलेगा। तो इसी के साथ मार्क रफेलो ये कहते हैं कि पूरी स्क्रिप्ट होने के बाद मुझे खुद नहीं पता कि उस मूवी में मेरा सीन कौन सा है, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। और अभी हाल ही में प्रमोशन हुआ था काफ़ी सारा एवेंजर एंड गेम का, तो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है ये सारी चीज़ें। और उसी के साथ एवेंजर एंड गेम का एक छोटा सा आर्ट वर्क लॉन्च हुआ है जिसमें कि प्रोफेसर हल्क का क्लियर लुक नज़र आ रहा है, और यही शायद उस लीक में था जो मैंने देखा था। और वॉर मशीन का एक आर्मर नज़र आया बिल्कुल क्लियर लुक में, जिसमें 006 उनका आर्मर का नाम क्लियर नज़र आ रहा है अच्छी तरीके से। एवेंजर एंड गेम का एक बिहाइंड द सीन जिसमें ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका एक साथ दिख रहे गेम खेलते हुए, जो कि 90s का गेम है, काफ़ी कमाल का गेम है, जिसका एक छोटा सा लुक भी नजर आया था। इसमें प्लस और एक ओके का बटन है और कुछ नहीं है उस गेम में। उसी के साथ एवेंजर एंड गेम का जियो न्यूज ने एक छोटा सा लॉन्च करा है आर्ट वर्क, जिसमें के सारे एवेंजर एंड गेम और हमारे कैरेक्टर पीछे दिखाए जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसी के साथ हेलमेट लॉर्ड लॉन्च हुआ है जो कि कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन का है, जो कि ऊपर तरह पहना जाता है बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छा है। और एक साथ एक प्रोमो लॉन्च हुआ जिसमें कैप्टन मार्वल सेंटर में खड़ी हुई है, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोमो लग रहा है। अब एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ एक प्रोमो लॉन्च हुआ है जो कि एवेंजर हेडक्वार्टर के पास है, जिसमें कि एवेंजर एंड गेम का लोगो टूट रहा है और एक तरफ बन भी रहा है, यानी कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर या एवेंजर एंड गेम। और एवेंजर हेडक्वार्टर से ये पता चलता है कि शायद लास्ट फाइट इधर ही होगी, एक छोटी सी मुझे जो लगता है पर्सनली। डिज्नी प्लस की पहली सीरीज का लोगो लॉन्च हो चुका है जो कि है फैल्कन और विंटर सोल्जर, तो ये काफ़ी अच्छा है। और आपको बता दूं कि इन्हीं एक्टरों को लेके शायद सीरीज बनाई जाएगी मुझे जो लगता है, क्योंकि अगर नए एक्टर को लेके अगर सीरीज बनाई जाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है। और यही सेम लोगो विंटर सोल्जर के एक्टर ने भी डाला था अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर, तो मुझे लगता है कि हाँ इन्हीं एक्टरों को लेके ये सीरीज बनाई जाएगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर थैनोस उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय, जा रहा हूँ।